बताया। मुंबई के चेंबूर में बीएमसी ने 6 से ज्यादा बिल्डिंग सील कर दी हैं। चेंबूर के सफल हाइट्स बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और यहां से देखिए मेरी सहयोगी नम्रता दुबे की ये रिपोर्ट। मुंबई में बढ़ते कोरोना के चलते अब बीएमसी जो है बिल्डिंग्स को सील करने में लगी है। जिन बिल्डिंग में 5 से ज़्यादा कोरोना केसेस हैं उन बिल्डिंग को सील किया जा रहा है। चेंबूर के इस बिल्डिंग को भी सील किया गया है जिसका नाम सफल हाइट है। अगर किसी सेम बिल्डिंग में 5 से ज़्यादा कोरोना केसेस आते हैं तो उस बिल्डिंग को पहले जिस तरह कोरोना केसेस के दौरान सील किया जाता था अब एक बार फिर बिल्डिंग्स को सील करने की प्रक्रिया बीएमसी ने शुरू कर दी है। बाकायदा जो गेट्स हैं उनको ब्लॉक किए गए हैं। जो बिल्डिंग के एक वॉचमैन है वो बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है। जब भी कोई ऑनलाइन फूड आता है या फिर जो बाकी सामान आता है जिन बिल्डिंग वालों को चाहिए तो वो वॉचमैन के ज़रिए उन तक पहुँचाया जाता है। बाकायदा उसको सैनिटाइज किया जाता है। बीएमसी ने जो गेट है उसको पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। गेट पर बाकायदा नोटिस लगा दिया गया है। इस नोटिस को मराठी में लिखा गया है कि अब ये जो बिल्डिंग है वो एक कंटेनमेंट जोन है, यहाँ के जितने भी निवासी हैं उनको 14 दिनों तक बाकायदा क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। साथ ही क्या कुछ सूचना है, किस तरह सारी चीज़ें जो नियमों का पालन करना है वो भी बाकायदा यहाँ पर नोटिस लगा कर मेंशन किया गया है कि जो लोग इस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के हैं, उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। जो लोग हैं वो 14 दिनों तक घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी सोसाइटी की होगी। सोसाइटी मेंबर्स को बाकायदा बिल्डिंग को सैनिटाइज करवाना है। साथ ही जो लोग कोरोना पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में आए उन्हें बाकायदा अपनी जाँच करवानी है। बिल्डिंग के वॉचमैन भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस बिल्डिंग में जो सामान आता है तो आप लोग कैसे पहुँचाते हैं? हम लोग लेते हैं और सैनिटाइजर करके एक आदमी बाहर आता है दूसरे आदमी को देता है वो ऊपर पहुंचाता है। अच्छा, आप भी बिल्डिंग के वॉचमैन है लेकिन आप अंदर ही रहते हैं? आपको 14 दिन अंदर ही रहना पड़ेगा। हाँ जी हाँ। तो घर वगैरह नहीं जा पाए? नहीं नहीं। आपकी जांच की गई है? हाँ की गई है। किया? हाँ किया। कितने केसेस आए? क्या एक ही फैमिली के केसेस आए क्या अलग अलग फ्लोर पे? अलग अलग केसेस, अलग अलग फ्लोर पे। अलग अलग फ्लोर पे तो आप लोग बाकायदा सैनिटाइज करवाते हैं सोसाइटी? हाँ करते हैं। ठीक है, तो 14 दिन नहीं निकलना? नहीं नहीं। आप भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि कोई ना? हाँ जी हाँ जी। तो जिस तरह बिल्डिंग के वॉचमैन भी बता रहे हैं कि जो मेड जाया करती थी तो उनकी उन पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। जो बाकी जो सामान होता है वो वॉचमैन सैनिटाइज करके बकायदा फ्लोर्स तक पहुंचाते हैं। और इस बिल्डिंग में 5 से ज़्यादा केसेस आए जिसके चलते बीएमसी ने कड़ा रुख अपनाया है। क्योंकि सिर्फ इस बिल्डिंग की बात नहीं है, चेंबूर में 6 से ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको सील किया गया है। पूरे मुंबई का कोरोना ग्रोथ रेट 0.18% है और सिर्फ चेंबूर का जो ग्रोथ रेट है वो उससे कहीं ज़्यादा है। ऐसे में जो बीएमसी है वो कड़ा रुख उन इलाकों में अपना रही है जो लगातार रेड जोन में तब्दील हो रहे हैं। कैमरा पर्सन सागर खाड़े के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। चेंबूर की एक और सोसाइटी में बीएमसी ने कार्रवाई की है। शिव त्रिशूल सोसाइटी में 5 से ज्यादा कोरोना के मामले मिलने के बाद इस सोसाइटी को सील कर दिया गया है। मुंबई में बढ़ते कोरोना के चलते लगातार बीएमसी उन बिल्डिंग्स को सील कर रही हैं जिनमें 5 से ज़्यादा केसेस आए हैं। चेंबूर में ऐसे 6 से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, ऐसे में ये एक बिल्डिंग भी शामिल है जिसके गेट पर बीएमसी ने बाकायदा नोटिस लगाया है कि लोग जो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं जिनको जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। आपको बता दें कि 18 फरवरी तक जो है बीएमसी ने कुल 321 बिल्डिंग को सील किया था लेकिन महज 3 दिनों में ये जो आंकड़ा है 1305 पहुंच गया है। पूरे मुंबई में 1305 बिल्डिंग्स को सील किया गया है। जितने भी पार्सल्स और सारी चीज़ें आती हैं वो वॉचमैन के ज़रिए सैनिटाइज करके घरों तक पहुंचाया जाता है। जो लोग हैं उनको बाकायदा होम क्वारंटाइन किया गया है। उन लोगों को जो है बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ऐसे में बीएमसी जो बिल्डिंग है उनके गेट पर इसी तरह का नोटिस लगा रही है और जो लोग हैं जो क्वारंटाइन हैं उनको घर से बाहर आने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। 14 दिनों तक उन्हें घर में ही रहना है। और इस तरह ये जो एरिया आपको मैं दिखा रही हूँ ये शिव त्रिशूल सोसाइटी है जिसके अंदर तकरीबन 10 बंगलोज हैं। 10 बंगलों में से जो एक बंगलो है उसमें उसी की फैमिली में 5 केसेस आए हैं। ऐसे में इसके पहले जो है बीएमसी एक बिल्डिंग में अगर 10 केसेस आते थे तो सील किया करती थी लेकिन जिस तरह कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है ऐसे में सिर्फ 5 केसेस आने पर ही बीएमसी जो है बिल्डिंग्स को सील कर रही है जिसके चलते ये आंकड़ा 1305 के करीब पहुंच गया है। कैमरा पर्सन सागर खाड़े के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि लापरवाही के कारण ही कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन ने लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है और इसी के लिए बीएमसी ने मार्शल्स तक को मैदान में उतार दिया है। मुंबई के सीएसटी से मेरी सहयोगी नम्रता दुबे की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इसे देखकर आप मुंबई का सूरत हाल समझ जाएंगे।
मुंबई में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस के बाद बीएमसी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। रेलवे स्टेशन की बात करें, ट्रेन की बात करें, पब्लिक प्लेसेस की बात करें, हर जगह बीएमसी के मार्शल्स मौजूद है। जो लोग मास्क नहीं पहनते, सर आपने मास्क क्यों नहीं पहना था? पब्लिक प्लेस पर भी आपका मास्क नीचे है। हाँ हाँ मैडम, मैं मास्क पहना हूँ ना। सर आपका मास्क नीचे है, ये गलत तरीका मैडम। छोड़ा भी, फिर अब दूसरे आदमी को पकड़े, दूसरी बार आए, एक बार छोड़ा भी उनको समझा के, अभी आगे गए तो आगे हमारे दूसरे आदमी ने पकड़ा है। दूसरी बार पकड़ा गया है। हाँ तो मैं फोन पे बात कर रहा हूँ ना मैडम। मास्क नीचे, आप इसको गलत नहीं समझते क्या? पहले जवाब दो आप, ये गलत नहीं है? हाँ गलत है। ये पहनेंगे कि नहीं आप? पहनूंगा मैडम। अभी तो आपको फाइन बोल रहे हैं क्योंकि दूसरी बार आप बोल रहे हैं। सॉरी बोला ना, सॉरी। सीएसटी स्टेशन की तस्वीर है। बीएमसी के यहाँ पर 10 से 12 मार्शल्स मौजूद है जो लगातार लोगों पर नज़र रख रहे हैं, जो जिन्होंने सही तरीके से मास्क नहीं पहना हो। लेकिन जिन लोगों को ये मास्क के लिए दंडित करते हैं वो लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मार्शल्स के साथ मारपीट भी की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, लेकिन उनकी पूरी कोशिश रहती है कि लोगों को समझाया जाए। जो फाइन्स हैं वो लोगों को, आपको फाइन भरने के लिए बोल रहे हैं, आपने मास्क नहीं पहना था। नहीं मास्क पहना मैडम सर, लेकिन मास्क थोड़ा नीचे रहे। नहीं ऐसा निकाल, आपका मास्क नीचे आ रहा है। नहीं ऐसा निकाला, निकल दिया। मैं कार से आया ना, रुकने के लिए निकाला पीछे। लेकिन आपको फोटो देखिए, फोटो दिखा रहे हैं, फोटो है, पूरा मुंह देखो उनका, पूरा फेस खुला है। ये गलत नहीं है, आप बताइए गलत है? मान पैसा नहीं है, पैसा होएंगे तो निकालो पैसा। मैं नहीं जो है लोग देते हैं, मार्शल्स लगातार लोगों को समझाते हैं कि बीएमसी के जो कार्रवाई पथक है वो लगातार काम कर रहे हैं। जो लोग बिना मास्क के नज़र आते हैं या फिर जो कोरोना के गाइडेंस जो रूल्स हैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होते। कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। मुंबई के लाइफलाइन यानी कि लोकल में लोगों के रवैये को देखकर यही लग रहा है कि जल्द ही मुंबई में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। मुंबई लोकल से ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में बढ़ते कोरोना की एक बड़ी वजह मुंबई की लोकल ट्रेन भी है, जिसपे हजारों यात्री ट्रैवल करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है बिना मास्क के भी इस ट्रेन में रहते हैं। आपको हम दिखाएंगे तो कई लोग जो है ज़्यादातर सही तौर पर मास्क नहीं पहन। आपने सही मास्क सही ढंग से क्यों नहीं पहना है? सही ढंग से ही पहना है मैडम, नीचे हो गया थोड़ा, नाक के नीचे। आप उसको सही ढंग से बोल रहे हैं? हाँ मैडम ऐसे ही पहनते हैं। आपको कोरोना का? हेलो, लोग इस तरह के अजीबोगरीब जवाब देते हैं, उनको ये नहीं समझता कि लॉकडाउन फिर से लग सकता है। जो नहीं समझता कि गलती उनकी है, मास्क वो नहीं पहनते हैं, जिसके चलते कोरोना लगातार बढ़ता जाता है। ऐसे में ना सिर्फ ट्रेन के अंदर बल्कि जो यात्री प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं वो भी मास्क जो है नीचे करके रखते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। जो लोग हैं वो अजीबोगरीब जवाब, क्योंकि पब्लिक प्लेस में अगर कोई खाना खाता है, पानी पीता है, इस तरह के जवाब देते हैं। ऐसे में जो कोरोना का खतरा है वो लगातार बढ़ता जाता है। कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बीएमसी को जरूर टेंशन दे दी है। लोग लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने मोर्चा संभाल लिया है। आपको शिवाजी मैदान से संवाददाता सचिन चौधरी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और अब तक जो है 15 लाख से ज़्यादा जो मास्क नहीं लगाने वाले लोग हैं उनके ऊपर बीएमसी ने एक्शन ली है और 31 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना जो है वसूला है। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर इस वक्त मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में है और बीएमसी ने ये भी अभी नई से गाइडलाइन जारी की है कि जो भी लोग चाहे ट्रेनों में घूमते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, बाजारों में घूमते हैं या फिर पार्क में खेलों के मैदान में बिना मास्क के घूमते हैं वो मास्क लगाए। और यही कारण है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और बिना मास्क के है, तो उनको मास्क देकर अवेयरनेस जो है वो बढ़ा रही है मुंबई की मेयर। आप सब लोग हैं यहाँ पर, आपसे इनसे भी हम बात करेंगे। मास्क लगाना ज़रूरी है, आपको मेयर ने भी मास्क दिया है, बहुत ज़रूरी है मास्क। हाँ यस जरूरी है जी। तो खेलते वक्त आपको भी लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, लेकिन लेकिन हम तो रनिंग करते हैं ना। हाँ। तो थोड़ा दम लगता है इसलिए मास्क नहीं लगाते हैं। लेकिन बाकी जगह पर भी मास्क लगाते हैं, जरूरी है। यहाँ पर मेयर मैडम भी हैं, लगा के मास्क दे रही है। आपने ट्रेनों में गई, आप हॉस्पिटलों में गई, लोगों को मास्क दे रही है, लोग अभी भी मास्क लगाने से बाज नहीं आ रखे, यही कारण है कि कोरोना बढ़ रहा है मुंबई में। हाँ एक तो मास्क ही अपना दवा है, मास्क ही अपना दुआ है, अभी मास्क लगाना जरूरी है। हमारे पास चैरिटी में बहुत मास्क आते भी है, तो लोगों के लिए तो लोगों को बांटना है। मार्शल जो है रास्ते पर है, सड़कों पर है, पार्क में भी है, लेकिन लोग उनसे झगड़ा करते हैं,
मास्क नहीं आते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। नहीं, मुझे लगता है अच्छी तरह दोनों का संवाद होना चाहिए, दोनों में अच्छी तरह बातचीत होनी चाहिए। एक बार उनको समझ के बात करते तो वो लोग कभी भी समझते। अभी ये बच्चे लोग है, बच्चे लोग को हमने समझाया तो उनको पता है कि मास्क ही हमारा दवा है और मास्क ही हमारा दुआ है। मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान पर जो है, ये मुंबई की मेयर यहाँ पर मास्क बांट रही है। शिवाजी पार्क बड़ा मैदान है, यहाँ पर चारों तरफ जो है बच्चे, खिलाड़ी, युवा खेलने के लिए आते हैं, लेकिन शिवाजी पार्क के आसपास में जो भी लोग जॉगिंग के लिए आते हैं वो सभी लोग जो है मास्क नहीं लगाते हैं। और इन लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो है खुद मेयर यहाँ पर प्रयास कर रही है। कैमरामैन संतोष पलवरकर के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।